कबीर मूव फास्ट। अरे डायरेक्ट है बाबा, डायरेक्ट है। सर इस तरफ सर लाइट चार्ज कर दीजिए, थोड़ी लाइट ठीक है। कोई 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 क्लैप क्लैप सर स्ट्रेट अर्जुन का सुनिल। अरे जेवढे फोटो मारले तेवढे ते मारले वन युनिट गेले सगळे ते फोटो। अरे माझं वाईड लेन्स कोणाचे दे बाय वाईड लेन्स आहे सर परेश जी परेश जी परेश सर स्ट्रेट एक ऑन योर लेफ्ट सर सर परेश एवरीबॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट गोइंग टुवर्ड्स द राइट सामान उतरा अरे भाई हाथ काढना सर 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 सोलो सोलो सर 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 चलो कैमरा थैंक यू नमस्कार स्वागत तो हम आपको करते हैं कि आप लोग आए दादा पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ सर आप सीनियर प्रोड्यूसर बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में कुछ आगे बढ़ो आई थिंक इट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फिल्म वाईकॉम मेक्स विच इज दैट इट इज व्हाट यू वुड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो आप जो आशा करेंगे जो आप सोचेंगे कि इस फिल्म में होगा उससे कुछ हटके कुछ अलग वैसी फिल्में हम बनाते हैं। अगर आप हम लोगों का सिलेक्शन देखें जिस तरह की मिल्खा मद्रास कैफे क्वीन तो बिल्कुल उसी तर्ज पे धर्म संकट में है। ओ माय गॉड भी हम लोगों ने बनाई थी वो एक पीछे इंस्पिरेशन है पर ये अपने आप में बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी अपने आप में इस फिल्म में पल है और इसकी अपनी एक थ्रो अपनी एक पकड़। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म एंड वी हैव सच एनॉर्मस टैलेंट अमंगस्ट अस
this can I think carry any film. So we are fortunate to have. अभिनय के दो महारथी परेश जी और अनुज जी. दो नहीं तीन है, नसीर साहब भी है. आज उनका काम नहीं था इसलिए वो नहीं आया, बट नसीर साहब भी है. तो तीन महारथी. इन्हीं को चुनना कैसे संभव हो पाया और तीनों का साथ लाना? ये किस्मत अच्छी थी कि मेरी पहली फिल्म में मुझे हिंदुस्तानी सिनेमा और स्टेज के इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने की का मौका मिला. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. आई सपोज स्क्रिप्ट में कुछ अच्छा रहा होगा तभी इन सब लोगों ने हाँ कहा. परेश जी, 7 दिन रह गए हैं और फिल्म के लिए भी आप पूरी भरपूर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं. किसमें? इसकी डेट अलग दे गई है. जब डेट दे देता हूँ मेरा मन भी वही दे देता हूँ. ऐसी कोई जगलिंग वाली बात नहीं होती है. ऐसी कोई बात. और सर, आप नसीरुद्दीन शाहजी और अनुजी फर्स्ट टाइम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, हाउ एक्साइटेड आर यू? वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू. मैं जब जब अनु भाई से मिलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और काम करने का बहुत मज़ा आता है. बहुत फ्रेंडली एटमोसफियर होता है. और बात है नसीर भाई की, तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड जब जब मौका मिले, जो भी छोटा रोल भी क्यों ना हो लेकिन मैं ले लूँगा. तो इस यहाँ तो बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट है और जैसा फुआड़ भाई ने कहा कि स्क्रिप्ट इतनी ताकत वाली है कि मैं अनु भाई नसीर भाई बहुत मज़ा आ रहा है. सर, आपको कैसा फील हो रहा है? सर जरा चेहरा ऐसे सामने सर. सर लुक हियर जी. आपने जैसे पूछा मुझसे, परेश भाई के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा फिल्म में काम कर रहे हैं. 8 साल या 10 साल. और सबसे पहले हमने अर्जुन फिल्म साथ की थी, उसके बाद हिंदुस्तान की एक हिस्टोरिकल फिल्म में मुझे इनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ काम करने का, जिसमें इन्होंने सरदार की भूमिका निभाई थी. और किसी हालात की वजह से, पॉलिटिकल मनूवरिंग की वजह से जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलती है, उस वजह से जो वो फिल्म डिज़र्व करती थी वो उस तरह से सामने नहीं आ पाई. कम बैक टू दिस लुक हियर. मेरा सौभाग्य है कि मुझे परेश भाई के साथ काम करने का मौका मिला. और नसीर भाई के साथ मैं तकरीबन लास्ट बार मैंने काम किया था 31 साल में. अभी ऐसा लगता कल की बात है. और वो मेरे सीनियर हैं. एक ही वृक्ष के फल हैं, वो बहुत बड़े फल हैं, मैं छोटा सा हूँ.